अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल आई जेड एस बर्ड्स ब्लॉगिंग। आज मैं आपसे तीन टॉपिक शेयर करूँगा फिंचेस के मुतालिक। पहला टॉपिक मेरा ये होगा कि फिंचेस जो है इनके एग से बच्चे कब तक निकल आते हैं। सेकंड टॉपिक मेरा ये होगा कि जो फिंचेस हैं इनके पेयर्स आपको किस एज में लगाने चाहिए। और थर्ड टॉपिक मेरा ये होगा कि आपको इनके पेयर्स लगाने किस तरह चाहिए। तो आए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, जो फिंचेस होते हैं ना, मैक्सिमम इनके जो अंडों से बच्चे होते हैं वो 12 से 14 दिन तक निकल आते हैं। कभी कभार देर भी हो जाती है, जैसे 15 या 16 दिन पड़ जाते हैं, लेकिन इनके बच्चों से अंडे निकल आते हैं। हाँ, कुछ अंडे होते हैं अनफर्टाइल, लेकिन कुछ होते हैं जो फर्टाइल होते हैं। और कुछ लोग समझते हैं कि अगर उनकी फिंच ने 2 अंडे दिए हैं तो उसमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। तो ऐसा देखें कभी नहीं होता। कभी कभार होता है कि फिंचेस एक अंडा देना तो उसमें से भी बच्चा निकाल लेती है। तो ये ना समझे कि इसने 2 अंडे दिए तो इसमें से बच्चा नहीं निकलेगा। अक्सर लोग समझते हैं ये चीज़। तो आए सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं। तो सेकंड टॉपिक मेरा ये था कि आपको फिंचेस की एज देख के पेड़ लगाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं जो 4 बच्चे हैं मेरे पास, अब ये कोई देखे तो बोल सकता है कि इसके यार जो पेयर्स हैं ये लगा के हम ब्रीड पे रख सकते हैं अपने पास। तो देखिए, ब्रीड के लिए बिल्कुल अभी सही नहीं है, क्योंकि इनकी एज अभी जो है वो है नहीं। अब ये 2 महीने का, और मैक्सिमम आपको बच्चों के 4 महीने होनी चाहिए जिसका पेड़ लगाएं। तो 4 महीने के आपके पास बच्चे होने चाहिए जिसका पेड़ सही से लगा सकते हैं। थर्ड टॉपिक मेरा ये है आपसे कि जो फिंचेस का पेयर है लगाना किस स्टाइल में आपको चाहिए। वो ये है कि देखें, जो फिंचेस होती हैं ना, इसमें अगर आप एक ही, अब ये मेरे पास जो बच्चे हैं ना, ये एक ही पेयर के बच्चे हैं। अब अगर वो पेयर सेकंड क्लच करता है, उसके बच्चों का मैं इसके साथ पेयर लगा दूँ या इनका ही आपस में लगा दूँ, तो जो होगा ना, ये ब्रीड जो होगी इनकी सही नहीं आएगी मेरे पास। ब्रीड लाइन इसकी सही नहीं होगी। और वैसे तो इसका लग नहीं सकता, 4 मेल है, लेकिन मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। ये इस तरह अगर आप बहन भाइयों की आपस में पेयर लगाते तो इसकी ब्रीड लाइन जो होती है वो आपके पास ब्रीड अच्छी नहीं आ पाती। ये 2 एक क्लच या 2 क्लच आपके पास सही आएंगे, लेकिन उसके बाद जो है ना उसकी ब्रीड अच्छी नहीं आएगी आपके पास। तो ज़्यादा कोशिश आप यही करें कि अगर आपके पास इस तरह है तो आपस में पेयर न लगाएं। आप 2 पेयर परचेस कर लें, उनके जो बच्चे निकले उनको आपस में आप पेयर कर लें। क्योंकि देखें, एक ही फिंच के पेयर है, उसका फर्स्ट क्लच है, उसके सेकंड क्लच के बच्चों के साथ उसके फर्स्ट क्लच का पेयर लगा दें तो वो सही नहीं रहते, इस तरह आपके पास ब्रीड सही नहीं आती। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।